तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले जो जेई जिम्मेदार थे वहाँ पे ड्रेन की मेंटेनेंस के लिए, जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि ड्रेन पर इंक्रोचमेंट ना हो, जिसकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी वहाँ पर फील्ड पर नहीं चल रही है, उस जेई पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और उसको एमसीडी से टर्मिनेट कर दिया गया है, उसको परमानेंटली नौकरी से निकाल दिया गया है। दूसरा, जो एई थे असिस्टेंट इंजीनियर, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी फील्ड ऑफिसर होने के नाते कि जो ड्रेन वहां पर बनी हुई है वो फंक्शनल है कि नहीं, वो उनको इंश्योर करना था। उनकी जिम्मेदारी थी कि जिन परमिशंस के आधार पर वहां पर बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है, क्या उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसलिए इन दोनों अफसरों पर तुरंत कार्रवाई करी गई। मैं आज दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जैसे ही पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी और अगर इन अफसरों के अलावा और कोई भी अफसर जिम्मेदार पाया गया जिसके अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो अफसर एक जूनियर अफसर हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी रिपोर्ट है ये 6 दिन के अंदर आएगी और उसके आधार पर जिन जिन की भी गलती पाई जाएगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ना सिर्फ जेई और एई को सस्पेंड किया गया, जैसे ही पता चला कि ड्रेन की इंक्रोचमेंट की वजह से वाटर लॉगिंग हुई है, मेयर शैली ओबेरॉय जी ने आदेश दिए, एक बुलडोजर को तुरंत राजेंद्र नगर भेजा गया, जहां जहां पर भी कोचिंग सेंटर्स ने ड्रेन पर इंक्रोचमेंट किया है उस इंक्रोचमेंट को हटाया गया कि ड्रेन प्रॉपरली फंक्शनल हो जाए। तो देखिए, आप भी देख रहे थे कि आप सरकार में मंत्री आतिशी दिल्ली में जो कोचिंग हादसा है उसी को लेकर तमाम सवाल यहां पर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर खड़े कर रही थी। इस बार इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। वापस अपने डिबेट पर लौट रहे हैं क्योंकि हम संसद में जो तस्वीर और जो जिस तरह से धर्म वर्सेज राजनीति की जो लड़ाई अब यहाँ पर शुरू होती नजर आ रही है उस पर आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि संसद में कल क्या तस्वीर रही।